पिछले चार सालों के मुकाबले इस साल सितंबर माह में सबसे अधिक वर्षा देखने को मिली है अभी सितंबर महीना पूरा होने में चार दिन बचे हैं और ऐसे में कुेत्र में इन दिनों पच्चीस दिनों में ही दो सौ mm वर्षा पूरे जिले में देखने को मिली है इतना ही नहीं ये वर्षा भी कुल सात बरसाती दिनों में हुई है जबकि इससे पहले साल 2018 में सितंबर महीने में 12 बरसाती दिनों में एक सौ सतर वर्षा हुई थी दरअसल चौमासे के इस चौथे माह ने जाते जाते किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है दरअसल तीन दिनों से हो रही तेज बारिश से कुशेतर जिले में करीब पचास हजार हेक्टेयर क्षेत्र में पकी हुई फसलें यानी कि धान की फसल के साथ साथ सब्जी और गन्ने तक की फसल भी प्रभावित हो चुकी है तेज हवा के साथ वर्षा आने से धरती में बिछी फसल के ऊपर से पानी फिर गया है पिछले चार सालों में केवल 2020 का सितंबर ही इन दिनों की फसलों के लिए सही रहा है इस उस साल मात्र सात एम एम वर्षा हुई थी और इस साल के जून से सितंबर तक के इन महीने महीनों में पहले माह में मानसून की वर्षा शुरू होती है और अंतिम माह में मानसून वापस लौट जाता है इस साल कुरुक्षेत्र में जून माह में चार बरसाती दिनों में मात्र तरतालीस एम mm और अगस्त में भी चार बरसाती दिनों में तरतालीस एम वर्षा हुई जबकि जुलाई महीने में सत्रह बरसाती दिनों में तीन सौ छब्बीस मिली वहीं कुरुक्षेत्र के जिले भर में करीब एक लाख अठारह हजार हेक्टेयर क्षेत्र में खेती की जाती है इसमें से लगभग एक लाख बारह हजार हेक्टेयर में धान की फसलें खड़ी हैं इसी धान के रकबे में से करीब सत्तर हजार हेक्टेयर में धान की ऐसी वैरायटी है जो या तो पककर तैयार है या पकाई की प्रक्रिया में है इन दिनों की वर्षा ने इन्हीं फसलों को ज्यादा प्रभावित किया है किसानों का कहना है कि पिछले चार दिनों से हो रही बारिश ने धान की फसल को चौपट कर दिया है कई जगह पक्कर तैयार खड़ी फसल धरती पर बिछने से दाना पानी में डूब कर अंकुरित हो गया है और कई वैरायटी में खड़ी फसल के दाने में ही अंकुर निकल गए हैं अब व्यापारी इस धान को नहीं खरीदेंगे इससे किसानों को भारी नुकसान होगा वहीं कृषि विज्ञान केंद्र की माने तो उनका कहना है कि इस वर्षा से पककर तैयार खड़ी फसलों को ज्यादा नुकसान हुआ है इससे दाना काला पड़ने के साथ उसकी क्वालिटी पर भी असर पड़ेगा और वर्षा से सब्जी की तैयार पौध को भी नष्ट कर दिया गया है कई जगह सब्जियों में पानी खड़ा होने पर इनकी ग्रोथ रुक गई है और तेज वर्षा से फसलों को माना जा रहा है कि तीस से चालीस फीसद तक का नुकसान हो चुका है ब्यूरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी